बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदू समाज पर हमलों, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचारों तथा उनके घरों और मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाओं से पूरे देश में कई हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन ने राजधानी के जंतर मंतर पर एक बड़े मार्च का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हिंदू समुदाय उपस्थित हुए। सभी ने मार्च निकालते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है और ये मार्च बांग्लादेश एजेंसी पर किया गया। वहीं संगठन के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख रहे हैं। स्थिति को देखते हुए बांग्लादेशी सरकार अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को तुरंत सुरक्षा प्रदान करे और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोके। हिंदू समुदाय के क्षतिग्रस्त मंदिरों और घरों की तत्काल मरम्मत करवाई जाए ताकि उनका धार्मिक और सामाजिक जीवन सामान्य हो सके। हिंसा में अपने परिवार को खो चुके बच्चों और बच्चियों को सुरक्षा और सहारा दिया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। ऐसी कई मांगों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश सरकार से अविलंब कार्रवाई की मांग भी की ताकि शांति और सुरक्षा बहाल की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि यदि इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में संगठन कई मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों, मानवाधिकार संगठनों और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष भी जाएगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वहाँ के हिंदुओं को जो 28% से 8% हो गए, इसकी भी जांच कराई जाए कि बांग्लादेश को सहयोग हमेशा भारत ने किया है। आज बांग्लादेश की स्थिति यह हो गई है जो लाखों लोगों को रोज इस्कान मंदिर द्वारा भोजन कराया जाता था, ऐसे इस्कान मंदिर को तोड़ दिया गया, हजारों बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया गया और हत्या तो मुझे लगता है 4000 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई है। और आज हमारी मांग प्रधानमंत्री से भी है, गृह मंत्री भारत सरकार से है और उच्चायुक्त जो बांग्लादेश के यहाँ पर हैं उनसे भी हम आज मांग पत्र सौंपेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे बच्चे बिछुड़ चुके हैं, जिनके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, उनको सहारा दिया जाए। जो गरीब परिवार के वहाँ पर हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उनके साथ न्याय दिया जाए। जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सरकारी जितने भी अधिकारी हैं उनको हटा दिया गया है, उन्हें पुनः नौकरी दिया जाए। आज की स्थिति इतनी खराब है साथियों कि बांग्लादेश में कटते हिंदू और टूटते मंदिर पर वैश्विक चुप्पी जो हमारे पूरे भारत में और पूरे विश्व में है। आज अगर कोई और समुदाय के साथ कुछ होता है तो पूरा विश्व एक हो करके आवाज करता है, जो बहुत ही हमारे समझ लीजिए न्यायप्रिय नहीं है। ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद विश्व मानवाधिकार आयोग में अपनी बात को रखेगा और पूरे संपूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्षों से मिल करके हम विश्व एकता में हिंदू मुस्लिम कायम रहे, किसी भी प्रकार का किसी भी समाज के साथ भी, ये हिंदू समाज कभी भी गलत नहीं चाहता और न भविष्य में कुछ चाहेगा। लेकिन अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे का क्या कदम रहेगा आप लोगों का? मैं बताऊं कि देश ही नहीं विदेशों में हमारा संगठन है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद इसलिए बना हुआ है, जो भी गरीब पीड़ित असहाय लोग हैं, जितने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारा संगठन पूरे भारत के सभी राज्यों के साथ साथ विश्व के सभी देशों में फैला हुआ है। सदस्यता अभियान तेजी में चल रहा है। हम लोग वो आंदोलन करेंगे कि जो भी ऐसा करेगा देश के अंदर जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ है, भविष्य में बांग्लादेश भूल जाएगा, उसको हम भारत में मिला लेंगे, इतनी क्षमता भारत के अंदर है। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।